जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा, देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पर रह तक रही होगी, वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा, तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर कभी नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गया, फिर से वीर भारत माँ तेरा शहीद हो गया। हमारे देश के सही जवानों को सत सत नमन, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। हमारे प्यारे भारत देश के उन माताओं को भी सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया, जिसने अपने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। जय हिंद साथियों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में यालंदू मंडल के सुभाष नगर के सेना के जवान ललैया यादव 34 वर्ष की मृत्यु हो गई है। सेना के अधिकारियों ने रविवार को परिवार के सदस्यों को फोन कर ललैया यादव के निधन की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मृत्यु हुई है। मृतक जवान का शव लेने के लिए परिजन हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ललैया यादव काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, जब भी वह गांव आते थे तो प्रत्येक परिवार से मिलकर जाते थे। साथ ही वह एक सामाजिक व्यक्ति भी थे, गांव के प्रत्येक कार्य में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ललैया यादव के निधन से पूरे गाँव में शोक की लहर है। जैसे उनके बलिदान होने की खबर उनके गांव पहुंची तो किसी के घर में दो दिनों से अभी तक चूल्हा नहीं जला। ललैया यादव के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी ललैया यादव जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सोरा चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।